मध्य प्रदेश राज्य योजना के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। तो आज के हमारी दो योजनाएं हैं नवीन आदर्श ग्राम योजना और मुख्यमंत्री कन्या विवाह या निकाह योजना। तो सबसे पहले बात करते हैं नवीन आदर्श ग्राम योजना की, इसका परिचय देखते हैं। दरअसल हाल ही में केंद्र सरकार ने जनजातीय ग्रामों के एकीकृत विकास हेतु मध्य प्रदेश के लिए नवीन आदर्श ग्राम योजना को लागू किया। इसके प्रावधान की बात करें तो इसमें अधोसंरचना, सामाजिक आर्थिक सूचकांकों में सुधार, जनजातीय वर्ग के कल्याण और जन प्रतिनिधियों के क्षमता विकास के कार्य होंगे। मध्य प्रदेश में इस योजना को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के संयुक्त माध्यम से लागू किया जाएगा। इसकी योग्यता की बात करें तो योजना के तहत ऐसे ग्राम का चयन किया जाएगा जिनकी 50% जनसंख्या जनजातीय है। इसके तहत कुल 7,307 ग्रामों का चयन किया गया है। इसके लाभ पर नजर डालते हैं। इसमें केंद्र से राज्य को 100% अनुदान सहायता मिलेगी। इसके प्रथम चरण में 1,204 ग्रामों में कार्य होंगे। साथ ही श्रेष्ठ कार्यों के लिए 3 ग्राम चयनित कर 5-5 लाख रुपए के पुरस्कार भी दिए जाएंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर पर भी सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए 3 ग्रामों का चयन होगा जिन्हें 10-10 लाख रुपए के पुरस्कार दिए जाएंगे। आइए बात करते हैं अपनी दूसरी योजना मुख्यमंत्री कन्या विवाह या निकाह योजना की। तो इसका परिचय देखते हैं। मुख्यमंत्री कन्या विवाह या निकाह योजना के माध्यम से राज्य गरीब परिवार की कन्या के विवाह का आयोजन करता है। इसके लाभ की बात करें तो इस योजना में सामूहिक विवाह या निकाह कार्यक्रम में सम्मिलित पात्र प्रति कन्या के नाम से 55,000 रुपए स्वीकृत किए जाते हैं। इसमें 6,000 रुपए की राशि सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजन करने हेतु आयोजनकर्ता निकाय को दी जाती है। इसके अलावा 38,000 रुपए की सामग्री तथा 11,000 रुपए का अकाउंट पे चेक कन्या को उपहार के रूप में दिया जाता है। इसके अंतर्गत कुछ अन्य प्रावधान भी किए गए हैं, जैसे इस आयोजन हेतु अधिकृत संस्था शहरी क्षेत्र में नगर निगम या नगर पालिका या नगर परिषद तथा ग्रामीण क्षेत्र में जनपद पंचायत होंगे। कार्यक्रम के सुचारू रूप से आयोजन हेतु जिला एवं निकाय स्तरीय समितियों का गठन जिले के प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से किया जाता है। इन समितियों में वरिष्ठ शासकीय अधिकारी भी सदस्य होते हैं। गौरतलब है कि योजना के तहत वर वधु को सामूहिक विवाह या निकाह कार्यक्रम के आयोजन की तिथि से कम 15 दिन पूर्व निर्धारित प्रपत्र में संयुक्त आवेदन देना होता है।